ये स्टूडेंट आपको कल असाइनमेंट जो मिली थी वो किस किस बच्चे ने किया है? आपने की है जी? ओके क्या हुआ? ओके गुड। किस किस ने बच्चे ने की है? आपने की है फोर्थ ग्रुप के सामने? ओके अच्छा, इसका क्या फंक्शन है? ये जो डॉटेड है, ये जो डॉटेड है ना आपने लगाए, इसका क्या फंक्शन है जी? प्रोपोर्शनल? ये क्यों हम लोग तो नहीं ऐसे करते, क्लास में ऐसे करते हैं ये? और ये मेरे ख्याल में फर्स्ट या सेकंड ईयर की बुक्स वगैरह में इस तरह के हैं। आपने किए? ये सारे झूठे बहाने लैपटॉप। कोई बात नहीं, भी आपका क्विज भी आज सबको पता है ना, आज आपका सरप्राइज क्विज भी है। ये क्लास के बाद अभी हम पढ़ते हैं, क्लास के बाद हम क्विज देखेंगे। बच्चे आप आगे आ जाए, चेयर लेके इधर बैठे। ओके बैठे। आज हम जो पढ़ेंगे वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। आप लोगों को पता भी, हमने पहले भी पढ़ा है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड, अगर किसी चीज का क्या ये स्टॉप कर दे। बच्चे जो आज का लेक्चर है ना वो सुने, आपका आपकी जहानत का टेस्ट लिया जाएगा इसके बाद, जो आप लोग आर टाइम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हो लेक्चर के दौरान भी। ओके स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। जैसा कि हमने पहले भी स्लाइड्स में देखा था कि अरिथमेटिक ऑपरेटर जो हम पढ़ चुके हैं वो है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड। अगर किसी का हमने इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, प्रिंट करवाने के बाद या प्रिंट करवाने के से पहले, वो सब हम आज इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं। ठीक है? ओके बातें नहीं करनी, बातें नहीं करनी बिल्कुल भी। इधर गया। सब अपने डेव सी प्लस प्लस को ओपन कर ले। ओके ऑनलाइन स्टूडेंट, आप भी अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर ले डेव सी प्लस प्लस को, ताकि हम साथ साथ इंप्लीमेंटेशन करें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप प्लीज पूछ लें। क्लास की पॉइंट ओपन कर ली आप सबने? अब ये देखें, सबसे पहले हमने क्या किया, पहले समझ लें फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ये तो सबको पता है, हमने हेडर फाइल लगाया हुआ है, उसके बाद इंट मेन, हमारा मेन बॉडी यहाँ से स्टार्ट होती है फंक्शन की, प्रोग्राम की। कर्ली ब्रैकेट के बाद हमने दो वेरिएबल्स को क्या करवाने डिक्लेयर किया हुआ है, दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है। सी आउट ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस, ये जो हमने लिखा है सी आउट ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस, ये सिंपल हम लोगों ने मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए लिखा हुआ है। अब सी आउट फॉलोइंग आर दी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, हम उसको नीचे, हमने तो ये मैसेज डिस्प्ले किया है, जस्ट उसके नीचे एग्जाम्पल्स विद ऑपरेटर्स बताएंगे। ठीक है? अब सबसे पहले हमने प्लस किया, फिर माइनस किया, मल्टीप्लाई किया, मोड किया, डिवाइड किया, इसको हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं इसके साथ 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 आप करें। हैश इंक्लूड, पहले हेडर फाइल लिखना है,
आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस, बातें नहीं करनी, इंट मेल, फैसल अमाद और अरमीन अपने वीडियोस को ऑन करें ताकि मुझे भी पता चले आप लोग की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो कि नहीं। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स आ जाएंगी। हमने दो वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, इंट ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 4 और बी इज इक्वल टू 5, उसके बाद सेमी कॉलन आएगा। उसके बाद हम लोगों ने सिंपल एक मैसेज को डिस्प्ले करना है सी आउट में, सी आउट ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। हैंडल, हैंडल हम किस लिए यूज करते थे? क्लास बताओ, हैंडल हम किस लिए यूज करते थे? गुड। और एक और भी चीज लाइन ब्रेक के लिए हम यूज करते हैं, क्या? क्या यूज करते हैं नई लाइन पे जाने के लिए? एंडल के अलावा और भी हम निकाल पड़ा है क्या? पूरा नाम लो ना, बैक स्लैश। ठीक है, बैक स्लैश इसलिए यूज करते हैं नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए, अपनी लाइन को ब्रेक करने के लिए। इन अदर वर्ड्स, अगर हम देखें कि टेक्स्ट में हम लोग एंटर का कीवर्ड यूज करते हैं, लेकिन हम प्रोग्रामिंग में बैक स्लैश या एंडल का यूज करेंगे नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए। ओके, अब एक और मैसेज डिस्प्ले करवाने लगी हूँ, सी आउट फॉलोइंग फॉलोइंग आर दी टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। बच्चे जल्दी जल्दी करना है क्योंकि हमारा काम भी हो जाए, हमारा क्विज भी हो जाए इसमें। ओके, यहां तक तो क्या किया था, अभी हमने मैसेज डिस्प्ले करवाया था। अब हम हमारी मेन बॉडी तो स्टार्ट हो गई हुई है, लेकिन हमने अब क्या करना है, अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को उनकी वैल्यूज को डिस्प्ले करवाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सी आउट दी वैल्यूज ऑफ ए प्लस बी। प्लस कैसे आएगा, शिफ्ट को, और जहां पे शिफ्ट प्लस और इक्वल लिखा हुआ है ना, शिफ्ट को प्रेस करेंगे प्लस की के साथ, तब प्लस आएगा। दी वैल्यूज ऑफ ए प्लस बी डबल लेस देन सिंबल एंडल नो, ए प्लस बी एंडल। ओके, ये जो लिखा है हमने सी आउट में दी वैल्यूज ऑफ ए प्लस बी, ये तो सिंपल हमारा एस टी सी मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें हमें कैलकुलेट करके बताएगा, ये जो दो वेरिएबल्स हमने ऊपर डिक्लेयर किए हैं उनको कैलकुलेट करके इसमें बताएगा। ओके,
सिमिलरली सी आउट डबल एस एन सिंबल दी वैल्यूज ऑफ ए माइनस बी डबल एस एन सिंबल ए माइनस बी फिर डबल एस एन सिंबल एंड एंड पे एडल एडल के बाद सेमी कॉलन फिर सी आउट डबल एस एन सिंबल डबल कोट्स दी वैल्यूज ऑफ ए मल्टीप्लाई बी डबल एस एन सिंबल ए मल्टीप्लाई बी फिर डबल एस एन सिंबल और एंड पे हैंडल सी आउट दी वैल्यूज ऑफ ए डिवाइडेड ए डिवाइड बी डिवाइड कैसे आएगा जहां पे शिफ्ट को नहीं प्लस करना शिफ्ट को प्लस नहीं करना सिंपल जहां पे क्वेश्चन मार्क और डिवाइड का ऑप्शन है ना उसकी को प्रेस करना एंटर करना डबल एस एन सिंबल ए डिवाइडेड बी फिर डबल एस एन सिंबल और एन पे एंडल सी आउट दी वैल्यूज ऑफ ए मोड बी ए डिवाइडेड मोड बी जहां पे 5 लिखा हुआ है ना शिफ्ट और उसको प्रेस करो 5 की को तो डिवाइड का मोड का ऑप्शन आ जाएगा मोड का सिंबल ओके डबल एस एन सिंबल ए मॉड बी फिर डबल एस एन सिंबल और एंड पे क्या है एंडल ओके okay. उसके बाद ये थे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स उसके बाद जी डिवाइड का साइन जब आप शिफ्ट को और 5 को एंटर करेंगे उसके ऊपर 5 के ऊपर डिवाइड का साइन है मॉड इसको मॉड कहते हैं इसको डिवाइड नहीं कहते जो ऊपर लिखा है वो हमारे पास मॉड डिवाइड था आपकी कीज खराब हो वो कंप्यूटर की खोल ले इसकी कीबोर्ड खोल ले इसका अपना कंट्रोल पैनल में जाओ नीचे सर्च में ठीक वैल्यूज ऑफ ए इंक्रीमेंट डबल एस एन सिंबल ए इंक्रीमेंट डबल एस एन सिंबल और एंडल सिमिलरली सी आउट दी वैल्यूज ऑफ ए डिक्रीमेंट बातें नहीं करनी काम करो साथ साथ डबल एस एन सिंबल और ए डिक्रीमेंट सॉरी डबल एस एन सिंबल और एंड एन सिमिलरली सी आउट बातें क्यों कर रहे हो क्लास दी वैल्यूज प्लस प्लस ए टीचर जी ए इंक्रीमेंट और प्लस प्लस ए
का आपने जो वो इनपुट लिखा है वो सेम नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सेम। इसमें क्या होगा, मैं आपको अभी इसकी आउटपुट एक्सप्लेन करती हूँ, तब आपको समझ आ जाएगी। ये देखिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो पहले हमें समझने वाली हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सेम नहीं है। सी आउट, डबल एस एन सिंबल, बातें नहीं करने। ओके okay. टीचर, जी आपने लाइन नंबर 17 में से का आपने लिखा है द वैल्यू ऑफ प्लस प्लस ए इज इक्वल टू ए इंक्रीमेंट, किसकी बात कर रहे हैं हम? लाइन नंबर 17। 17 की सी आउट दी वैल्यूज ऑफ प्लस प्लस ए। यस, पहले प्लस प्लस आएगा क्योंकि ऊपर हमने एक दफा वो वेरिएबल को डिक्लेयर कर चुके हैं, इसलिए आप ये आएगा। ओके, क्लास ये कर लिया सबने? अभी इसको सेव करके फिर क्या करना है, इसको कंपाइल करना है, कंपाइल एंड रन करना है। फिर उसके बाद जब आउटपुट आएगी, फिर आउटपुट आपको समझ आएगी। इसको मैंने सेव किया है, सबका हो गया है, दिख लिया। ओ में वगैरह दोबारा चेक कर ले क्योंकि मिस्टेक हो जाती है। ऑनलाइन स्टूडेंट आप कह रहे हैं? मुझे आपने स्क्रीन शेयर करें, अपनी वीडियो ऑन करें, वीडियो ऑन करें ताकि मुझे भी पता चले कि आप कह रहे हैं। टीचर, जो आपने ब्रैकेट ओपन की थी इंट मेन के बाद, वो आपने क्लोज नहीं करनी? ये देखें, ये ओपन है और नीचे क्लोज भी है, हाँ, ये देखें। ओके। बच्चे आप शेयर करें अपनी स्क्रीन जहाँ पे काम कर रहे हो, वीडियो ऑन करें। क्लास की पॉइंट आपने कर लिया, सबने लिख लिया है, इसको सेव करें। एक मिनट बच्चे, अब हमने इसको सेव कर लिया है। सेव करने के बाद कंपाइल करेंगे। हम कंपाइल इसलिए करते हैं ताकि अगर कोई हमारे यहाँ कोई एरर वगैरह होता है ना, तो वो पता चल जाता है, वो उस लाइन पे ले जाता है हमें कि आपके इस लाइन पे एरर आ रहा है कि या कोई चीज मिसिंग हुई हो। ओके, कोई एरर नहीं, नीचे कंपाइलेशन रिजल्ट्स में एरर 0, वार्निंग 0। अब हम इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। ये देखें, स्पेस का मसला है, मतलब स्पेस नहीं दी, बाकी बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया था, ऑपरेटर से सी प्लस प्लस सिंपल एक मैसेज को डिस्प्ले किया था हेडर फाइल के बाद, तो वो ऐसे ही प्रिंट हो गया है, ऑपरेटर से सी प्लस प्लस। क्लास पहले सुन ले, फिर आप देखिएगा अपनी उसकी तरफ। क्लास की इधर देखिए, सब पहले देख ले आउटपुट कैसे आई है। उसके बाद क्या किया, फॉलोइंग आर दी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, ये भी हमने सिंपल एक मैसेज डिस्प्ले किया था, उसने ऐसे ही हमें डिस्प्ले करवा दिया। अब दी वैल्यूज ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 9, ठीक है। दी वैल्यूज ऑफ ए बी, क्योंकि ये देखें इधर हमने कौन सी वैल्यू ली थी, हमने दो वेरिएबल लिए थे 4 और 5, जब इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा अंत में,
नाइन। 4 + 5 कितने होते हैं? 9। तो वो हमारे उसने a+b को जमा करके इसको इसको जमा करके उसने 9 दे दिया। उसी तरह नेक्स्ट ऑपरेटर कौन सा लगाया था? a-b और a-b। अब 4 4-b 4 - 5 करेंगे तो बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है हमेशा वही आता है। ठीक है, बड़ी वैल्यू कौन सी है इसमें से? 5 5 के साथ क्या है, कौन सा साइन है? माइनस। और 5 4 - 5 करेंगे तो -1 आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने तीसरा ऑपरेटर कौन सा लगाया था? a·b। 4 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20। तो इसने 20 डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, अब बच्चे गौर से समझने वाली बात है, की पॉइंट मैंने बाद में आपसे ये पूछना भी है। अब ये देखें, ये थर्ड में क्या, लाइन 13 में क्या कह रहे हैं? क्लास मुझे पीछे से बातों की बातें आ रही है, सॉरी बातों की आवाजें आ रही है। जी जी क्या बोले उधर? लाइट ऑफ यहाँ से कर दे बच्चे, आप उठ के लाइट ऑफ कर दे। क्लास जो भी डिस्कशन है मेरे साथ करे ना जी। इज इक्वल टू का तो हमने लगाया भी नहीं था, लगाते तो आ जाना था। आप जितनी स्पेस दोगे उसके मुताबिक आ जाएगा, कोई मसला नहीं। आप अगर देखो ये क्यों स्पेस हमने इधर नहीं ज्यादा स्पेस दी, अगर इधर ज्यादा दे रहे हैं ना स्पेस तो उधर ऑटोमेटिकली हमें स्पेस में आएगा। ठीक है, इधर हाँ जी ओके क्लास। अब उसके बाद ये लाइन 13 को देखें, दी वैल्यूज ऑफ ए, ये कौन सा ए डिवाइड बी, ये किसका सिंबल है? डिवाइड का, नॉट मोड का। ये ए डिवाइड बी है। ठीक है, जब हम लोगों ने ए की क्या वैल्यू है? 4। 4 को डिवाइड करेंगे 5 पे तो क्या हमारे पास ये इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, और C++ का ये रूल है, जब हम दो वैल्यूज को इंटीजर वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो आउटपुट भी इंटीजर में आती है, तो हम उसको क्या लिखेंगे आउटपुट में? वो 0 डिस्प्ले करेगा। समझ आई स्टूडेंट? ए डिवाइड बी, ए की वैल्यू 4 थी और बी की वैल्यू 5 थी। जब हम लोगों ने इसको डिवाइड किया तो C++ का ये रूल है कि जब हम दो इंटीजर वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो उसके आउटपुट में हमें इंटीजर ही मिलेगी, लेकिन हम 0 डिस्प्ले करवाएंगे। उसके बाद डिवाइड ए डिवाइड बी, ए की भी क्या वैल्यू है? 4, और 4 डिवाइड किया मोड, सॉरी ये मोड का सिंबल है नॉट डिवाइड का, ये ऊपर जो है ये डिवाइड का सिंबल था, ये मोड का सिंबल है ये वाला। ए 4 मोड 5 किया तो जो न्यूमरेटर में होता है वही वैल्यू आ जाएगी। तो इधर क्या डिस्प्ले हुई थी? ये देखिए इधर हमें क्या मिल गया है? 4। इधर 0 मिला है। जब ए डिवाइड बी किया है, 4 डिवाइड 5 किया है, तो मोड में क्या है? डिवाइड में 0। ये 0 की सबको समझ आ गई है कैसे आया है? गुड। अब उसके बाद जब हम लोग ने 4 मोड 5 किया तो क्या आया इसमें? 4। जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो उसने मोड में ले ली है। ठीक है, अब उसके बाद इंक्रीमेंट देखिए, बच्चों ने क्वेश्चन किया था ऑनलाइन बच्चों ने भी कि मिस ये इंक्रीमेंट वाला आप लोगों ने ये दोनों सेम लिखे हुए हैं, दिस इज नॉट सेम, टू मच मेसियम डिस्टेंस इन नो दोनों में। सबसे पहले मेस अगर ए की वैल्यू है 4 है, इधर ए की वैल्यू 4 है, क्लास ये समझने वाली बातें हैं सुन ले, ए की वैल्यू 4 है, इधर पहले 4 प्रिंट होगा फिर उसमें इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होके क्या आ जाएगा? 5। यस, पहले 4 क्या है? प्रिंट होगा और फिर इंक्रीमेंट होके 5 आ जाएगा। ओके, अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए इधर क्या है? ए डिक्रीमेंट हो रहा है ए का, ए की वैल्यू क्या है? 4। 4 पहले प्रिंट होगा, नहीं इधर क्या आया था हमारे पास? 4 की वैल्यू क्या थी? ए की वैल्यू 4 थी, 4 पहले प्रिंट होगा फिर इंक्रीमेंट होगा। इधर से जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो ए की 5 है, 5 पहले प्रिंट होगा फिर उसके उसमें जब हम डिक्रीमेंट करेंगे तो वो 4 आ जाएगा। ये ऑपरेटर्स का आपने ध्यान से ख्याल रखना है कि पहले प्रिंट वैल्यू होगी फिर इंक्रीमेंट करना है, पहले प्रिंट वैल्यू होगी फिर हम लोग ने डिक्रीमेंट करना है। सिमिलरली इधर क्या है, ऊपर से क्या आ रहा है हमारे पास? 4। 4 में पहले इंक्रीमेंट करेंगे क्योंकि पहले सिंबल प्लस प्लस का पहले आ रहा है, तो पहले उसमें इंक्रीमेंट होगा, 5 होगा फिर वो प्रिंट हो जाएगा, और एट द एंड 5
में पहले इधर क्या सिंबल आ रहा है, डिक्रीमेंट का, पहले वो डिक्रीमेंट होगा 4 से 5 होगा और फिर वो डिस्प्ले हो जाएगा 4। क्लास इधर से नहीं आपको किसी समझ आई तो बता दे। अब आपको सिंबल्स का पता चल गया, ये मतलब सिंबल ए प्लस प्लस और प्लस प्लस ये दोनों में डिफरेंस है। ए प्लस प्लस का क्या मतलब है, पहले ए की वैल्यू प्रिंट होगी फिर उसमें इंक्रीमेंट होगा, और फिर प्लस प्लस ए में क्या है, पहले इंक्रीमेंट होगा और फिर ए की वैल्यू प्रिंट होगी। जी बच्चे आप क्या कह रहे हैं, जी दोबारा बता दें, और किस किस को नहीं समझ आई, अभी पूछने का टाइम बीसीए है। जी बच्चे मॉडुलस वाला बताइएगा, क्या फैसला आप बोल रहे हैं, ये मॉडुलस वाला बताइएगा, लाइन नंबर 14 बताइएगा, समझ नहीं आई क्या बोला। मैं लाइन देखो नंबर बच्चे 14 मैं ये दोबारा बताइएगा। एक्सप्लेन कर देती हूँ। दी वैल्यू ऑफ ए प्लस प्लस, इसमें क्या किया था कि हमारे पास ए की वैल्यू क्या थी, ई पॉइंट, पहले 4 प्रिंट होगा फिर उसमें इंक्रीमेंट होगा तो क्या आ जाएगा 5। ठीक है, इधर इधर से हमारे पास 5 वैल्यू आ रही है इसमें, 5 में ए में। अब ए में 5 वैल्यू पहले प्रिंट होगी फिर उसमें डिक्रीमेंट होगी, क्या आएगा 4। फिर उसके बाद इसमें क्या आएगा, इसमें ये प्लस प्लस ए में इधर से कौन सी वैल्यू आ रही है 4, 4 में पहले इंक्रीमेंट होगा और फिर प्रिंट हो जाएगा फिर उस। जी अगर हम देखें ना इसको लॉजिक वाइज देखें तो ये इतना होना, लेकिन ये इतना डिस्प्ले कर रहा है, ये मैंने भी इसको जब रन किया था ना तो ऐसे ही डिस्प्ले हुआ था, लेकिन ये होना होना ऐसे ही है। ये देखें ये कौन सा है, ए प्लस प्लस, पहले ये देखे ना स्टूडेंट, ये देखे इसका आंसर 5 आ तो रहा है, इसका आंसर 5 है। ये देखे जब ए प्लस प्लस ए किया, प्लस प्लस ए का आंसर मेरे पास तो 5 आ रहा है। बीसीए जी प्लस प्लस का 5 आ रहा है ना, ये मेरे में फिर 5 कैसे आया, ये देखे बच्चे बच्चे वो पहले प्लस प्लस है फिर ये माइनस माइनस, ये देखे मैं इसका कह रही हूँ ए प्लस प्लस, ए प्लस प्लस का 4। ओके 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 हाँ ओके ओके 4। तो 4 और ये 4 जब 4 ये 4 कीप क्वाइट क्लास, अच्छा ये जो नीचे वाले है ना प्लस प्लस ए और माइनस माइनस ए, ये बिल्कुल इनकी लॉजिक ठीक है, लेकिन जो ऊपर वाले है ना ए प्लस प्लस और ए माइनस माइनस, इन्होंने सेम ऐसे ही डिस्प्ले करवाया। जैसे हमारे पास ए की वैल्यू क्या थी 4, ठीक है 4 की वैल्यू उन्होंने पहले प्रिंट करवा दी हुई है, इंक्रीमेंट नहीं किया हुआ, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि पहले हम लोगों ने वैल्यू को प्रिंट करवाने के बाद उसमें एक इंक्रीमेंट करना है, और इसी तरह नीचे ए डिक्रीमेंट, फिर ऊपर से हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ रही है ऊपर से 5, 5 जब इधर ए में आएगा तो ए में क्या होगा उसके बाद डिक्रीमेंट करेंगे तो इस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो प्लस प्लस ए, ये प्लस प्लस ए में क्या है पहले इंक्रीमेंट हो रहा है, 4 की वैल्यू 5 हो जाएगी और वो 5 उसने डिस्प्ले कर दी हुई है। ठीक है, लेकिन आपने ये कॉन्सेप्ट रखना है कि पहले हम लोग जब इंक्रीमेंट करेंगे, पहले सिंबल वो इंक्रीमेंट जब आएगा प्लस प्लस ए करेंगे तो पहले हम लोग ने वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है फिर प्रिंट करवाना है, इसी तरह जब वो पहले बच्चे आप मुसलसल बातें करते जा रहे हैं।
कोई कंफ्यूजन है तो मेरे साथ डिस्कस करें ना। वो अगर वो एम एम प्लस प्लस या माइनस माइनस का सबको समझ आ गया, नहीं आई तो वन वन बाय वन मेरे से पूछे, जल्दी पूछे, हाँ हमने नेक्स्ट पे मूव करना है। जी ऐसे क्यों नहीं किया, दिस इज गुड क्वेश्चन, लेकिन इधर इसने ऐसे नहीं किया, इधर सिंपली मैसेज ऐसी है डिस्प्ले करवा दिया, लेकिन हम लोग जैसे इसको रीड करेंगे ना, जैसे रीड किया इसको रीड ए प्लस प्लस, तो उसके लिहाज से तो ऐसे ही हो रहा है कि फोर फोर में इंक्रीमेंट होगा तो ये फाइव हो जाएगा। नहीं। इसकी हम लोग एक और एग्जांपल करेंगे इसकी, क्योंकि मुझे लगता है आपको अभी अभी नहीं इसकी समझ आई इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की। ठीक है, इसके हम एक और एग्जाम्पल करेंगे। जी ए माइनस माइनस का और प्लस प्लस ए का, ए माइनस माइनस पे वो फाइव दे रहा है। ये देखिए बच्चे फाइव फिर भला कैसे आ रहा है, वैल्यूज ऑफ ए इंक्रीमेंट करने फाइव। ये देखिए इसकी फिर एक लॉजिक ये बन रही है कि जब हम लोगों ने प्लस होने की पॉइंट ए प्लस प्लस कर रहे हैं ना, ए में ए की वैल्यू क्या है फोर, फोर में जब ऐड करेंगे एक इंक्रीमेंट करेंगे तो फाइव हो, ये फाइव ऊपर से डिस्प्ले होके ये ए डिक्रीमेंट में आ रहा है, ए माइनस माइनस में, ए माइनस माइनस अच्छा उसने इसको ऐसे ही डिस्प्ले कर दिया हुआ है फाइव को, लेकिन इंक्रीमेंट होना चाहिए था ना। हाँ वही आपने भी बात नहीं समझी, ए प्लस प्लस को पहले समझे ना, ऊपर से वैल्यू ए माइनस माइनस में आ रही है बच्चे। क्लास मेरी बात सुने, ऊपर से वैल्यू ए माइनस माइनस में आ रही है, इसको आपने डायरेक्ट नहीं समझ लेना। ए प्लस प्लस में क्या था, ए की वैल्यू फोर थी, फोर में इंक्रीमेंट करने के बाद इसकी वैल्यू क्या फाइव होगी, तो फाइव वैल्यू ए में आ रही है, और फाइव में ए में होने के बाद उसका डिक्रीमेंट तो होना चाहिए था ना, लेकिन इधर फाइव डायरेक्ट वो डिस्प्ले कर रहे हैं। इसके हम लोग एक एग्जाम्पल क्लियर करने के लिए एग्जाम्पल और करेंगे इसकी, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स तो हो गया, ये नीचे वाला जो था ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का था, अरिथमेटिक ऑपरेटर तो यहाँ तक था प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मोड। जी बच्चे आपका क्या क्वेश्चन है, प्लस प्लस माइनस माइनस का अभी देखें इसको नहीं करें, अभी हम इसकी दोबारा दूसरी एग्जाम्पल देखेंगे ये वाली, जहां तक आपको समझ आ गई प्लस माइनस मोड मल्टीप्लाई डिवाइड की, किसी का क्वेश्चन है पता चल गया मोड कैसे लेते हैं डिवाइड कैसे करते हैं, प्लस नीचे मोड माइनस वाला की तो आपको बताइएगा समझ एक होगी। दफा, जी बच्चे आपका क्या क्वेश्चन है, जी मोड वाला बताइएगा एक दफा, मोड वाला, ऊंची बोले थोड़ा, मोड वाला बताइएगा, मोड वाला कौन सा है? बच्चे आवाज नहीं आ रही आपकी। स्टूडेंट आप क्या पूछ रहे थे, दोबारा पूछिए प्लीज। जी बच्चे जी पूछे, प्लस माइनस को अभी नहीं देखे आप, सारे बच्चे उस पे कंफ्यूज हो रहे हैं, हम इसकी नेक्स्ट जब प्रोग्राम करेंगे ना उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, सारे की समझ नहीं आई कोई बात नहीं, हंसना नहीं बच्चे, वो छोटा बच्चा ना अभी उसका माइंड भी बिल्कुल छोटा सा है, तो इसलिए वो नहीं जल्दी चीजों को पिक करेगा, हंसते नहीं है किसी पे। आपको कहाँ से समझ नहीं आई, आपको प्लस माइनस का पता है ना कैसे करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं पता आपको, क्वेश्चन नहीं आते प्लस माइनस के, वन प्लस टू क्या होता है, वन प्लस टू क्या होता है,
बच्चे आप क्लास में बहुत बोलते हैं जी। 1 प्लस 2 क्या होता है बताएं? 1 प्लस 2 क्या होता है? 3 प्लस आ रहा है ना, हम लोग 1 प्लस 2 करेंगे तो 3 आएगा आंसर में। तो इसी तरह हम लोग ने 4 प्लस 5, ये देखो बच्चे बच्चे ये देखो, खड़े आप खड़े हो कि सुनो, देखो सबसे पहले हमने क्या किया था, ए प्लस बी किया था, ए प्लस बी ऊपर हम लोग ने 2 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया था, ए की वैल्यू क्या थी 4 और बी की वैल्यू क्या थी 5। हम जब ए प्लस बी करेंगे, ए की वैल्यू 4 प्लस 5 तो क्या आएगा, आप काउंट करके मुझे बताओ 4 प्लस 5 क्या आएगा? 9। तो आउटपुट भी हमें हमारा 9 आया हुआ, ये देखो। ये देखो 9 शो हो रहा है ना आपको, ए प्लस बी के साथ 9 9 लिखा हुआ है। ओके आप अपनी डिस्प्ले स्क्रीन ओपन कर लो। वजी इधर देखो, आप इधर समझो, 9 की समझ आ गई? 9 की समझ आ गई कैसे आया हुआ? उसके बाद हमने क्या किया, माइनस माइनस भी करना आता है ना आपको, 4 माइनस 5 करेंगे तो क्या आएगा? क्लास की पॉइंट 4 माइनस 5 करेंगे तो क्या आएगा? देखो 4 की वैल्यू क्या है इधर, ए की वैल्यू क्या है 4, 4 माइनस ऑपरेटर लगा अंदर माइनस, और बी की वैल्यू क्या है 5। ठीक है तो 1 आता है ना, वैसे अगर हम 4 में से -5 करते 1 आता है, लेकिन हम देखेंगे इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी है 5, 5 के साथ कौन सा ऑपरेटर लगा हुआ है माइनस का, अरिथमेटिक ऑपरेटर की सबको समझ आई है, बस हमने अभी उसका प्रोग्राम वो दोबारा से करेंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का, उसको अच्छे से डिटेल से करेंगे, क्योंकि बच्चे अभी कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, जिसके हमारे अकॉर्डिंग वो एक दो में एरर आ रहा है, मसला आ रहा है, तो हम इंशाल्लाह अभी ये दोबारा करेंगे। ठीक है उसके बाद हम देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या, इसके लफ्ज से ही हमें समझ आ रहा है कि असाइनमेंट का क्या मतलब है, असाइन करना वैल्यूज किसी को। ठीक है हम इसमें क्या कहते हैं, वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। हम इसमें एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करते हैं, एक्सप्रेशन क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम मैंने लिख दिया ए प्लस बी, ये क्या है हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। ठीक है हम उस एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करने के बाद किसी थर्ड वेरिएबल्स में क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। आगे आप देख दो, और इसके अंदर जो असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर जो सिंबल लगता है ना इज इक्वल टू का, ये बात आप याद रखनी है, इज इक्वल टू, पीछे हम लोग ने अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़े हैं उसमें हमने इक्वल टू का साइन नहीं लगाया ना, लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर में मस्ट लगाएंगे, इसके बगैर वो हमें आउटपुट डिस्प्ले नहीं करेगा, डिस्प्ले कर देगा लेकिन हमें हमारा, क्योंकि ये हम अलग से टॉपिक कर रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, तो इसके लिए मस्ट है कि असाइनमेंट ये इक्वल का साइन लाजमी हो। उसके बाद इसका वेरिएबल सिंटैक्स ये है, वेरिएबल इक्वल टू एक्सप्रेशन, और एग्जांपल क्या है, ए इज इक्वल टू 40। ठीक है हमने 40 वैल्यू किसको असाइन की है, ए को, जो लेफ्ट साइड पे हम लोगों ने, लेफ्ट साइड पे क्लास ये देखे असाइनमेंट ऑपरेटर में हम लेफ्ट साइड पे वैल्यू को असाइन करेंगे, राइट साइड पे कैलकुलेट करने के बाद लेफ्ट साइड पे वैल्यू को असाइन करेंगे। सिमिलरली ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ए की वैल्यू बी की वैल्यू को प्लस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू 1 प्लस 2 इनको 3, 3 इज इक्वल टू 3 किसको असाइन कर देंगे, सी को। ठीक है जो लेफ्ट साइड पे आपकी तरफ शायद राइट साइड पे हो, मेरी तरफ जो सी है वो लेफ्ट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे हम वैल्यू को असाइन करेंगे। इसके बाद हम लोग इसका क्या एक प्रोग्राम कर लेते हैं, जल्दी जल्दी बच्चे ये करने हैं। यूजिंग नेम स्पेस हेडर फाइल लिखें, हैश क्लास की पॉइंट, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस। ओके बच्चे मैं बाद में देख लेती हूँ, आप लोग अपना अपना करो, मैं बाद में देख लूंगी। यूजिंग नेम स्पेस
एसटीडी इन मेन हम इसमें एक इंटीजर वैल्यू को डिक्लेयर कर रहे हैं इन ए इज इक्वल टू 10 और बी इज इक्वल टू ए प्लस 10। सॉरी ए की आउट डबल एसन सिंबल ए इज इक्वल टू फिर डबल एस एन सिंबल ए फिर डबल एस एन सिंबल एंड एन सिमिलरली सी आउट डबल एस एन सिंबल सी डबल एस एन सिंबल बी डबल एस एन सिंबल एंड एन। इधर आप लोग रिटर्न भी लिख सकते हो। ओके क्लास इसको सेव करें। असाइनमेंट ऑपरेटर ये देखिए इधर साथ भी लिखा हुआ था। हो गया सबका कर ले फिर इसको समझते हैं। बच्चे आप भी कह रहे हैं फैसल समझ आ रही है आपको? ये हम लोग जो कह रहे हैं ये साइमन ऑपरेटर का है प्रोग्राम कह रहे हैं। बच्चे जल्दी जल्दी किया करें। जी हो गया कोमा वगैरह जब आप सेव करते हो उसके बाद कोमा वगैरह चेक कर लिया करें कोई एरर तो नहीं है वो कोई मिस्टेक तो नहीं है इसमें। हो गया सबका अब हम इसको समझ लेते हैं किसका नहीं हुआ। बच्चे किसका नहीं हुआ आपका नहीं हुआ आप जल्दी करो फिर। बी को खत्म करें। अच्छा मेरे में ना बी लिखा हुआ था मैंने इंट के साथ गलती से बाय मिस्टेक बी लिखा गया और बच्चों ने भी पीछे बी लगाया। बच्चे आप अपनी कॉमन सेंस यूज करें मेरे से तो मिस्टेक होगी। आपने नहीं किया हुआ इंट इंटीजर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करें। देखिए क्लास सबसे पहले तो हम लोगों ने हेडर फाइल लगाया। हेडर फाइल लगाने के बाद क्योंकि हम ये असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर में हमें ये कहा था पीछे इसकी ये प्रॉपर्टीज पढ़ी है कि हम किसी थर्ड वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे हैं। थर्ड वेरिएबल को भी कर सकते हैं या किसी दूसरे
वेरिएबल को भी वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे ए इज इक्वल टू 10, 10 वैल्यू हम किसको असाइन कर रहे हैं, ए को, ठीक है। इधर हमने दो वेरिएबल लिए, ए इंट ए और बी, दोनों की डाटा टाइप सेम थी इसलिए हम लोगों ने एक ही लाइन में इसको लिख लिया। आप लोग सेपरेट सेपरेट भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने कल अभी पढ़ा है कि मल्टीपल वेरिएबल्स के डाटा टाइप सेम होगी तो हम उसको एक ही लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है। इंट ए बी, ए की वैल्यू क्या असाइन की, 10। बी की वैल्यू क्या, बी इज इक्वल टू ए प्लस 10, ठीक है। अब ये देखिए, एक बी की वैल्यू 10 है और एक वैल्यू वो कहाँ से लेगा, ए से, 10 प्लस 10 20, वो बी वैल्यू इसको आउटपुट में डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। लेकिन इसका आउटपुट का डिस्प्ले का ये देखिए मेथड इस तरह करते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें इक्वल टू सिंबल मस्ट यूज करते हैं, ठीक है। और सीओ जी क्या बोला आपने, दोबारा पूछे, अच्छा सम शो करने के लिए, आप सम शो करवाएं, आप मल्टीप्लाई शो करवाएं, आप कुछ भी शो करवाएं, इसी तरह अब आगे जो आएगा वो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर होगा, वो जब करेंगे तब आप क्लियर ज्यादा अच्छी हो जाएगी। ए की वैल्यू 10 क्लियर किया ना, वो सामने नजर आ ना आपको, ए की वैल्यू 10, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या की है, ए प्लस 10, ए में कौन सी वैल्यू ऐड होगी, ए की, ये बी की वैल्यू में, 10 प्लस 10 कितनी होता है, 20। 20 वैल्यू किसको साइन होगी, बी को, ठीक है। बच्चों आपको समझ आई है फैसल, की बात क्या करना है। अब ये देखिए सिमिलरली कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को हम शॉर्टकट वे टू ऐड प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट, हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को। ये आपसे बोले कि असाइनमेंट ऑपरेटर और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है, तो आपने बताना है कि शॉर्टकट वे में जो हम यूज करते हैं वो कौन सा है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, और जो हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है कि हम किसी थर्ड हम दूसरे वेरिएबल को वैल्यू असाइन सिंपल कर रहे होते हैं, ठीक है। हम इसको देखते आगे, इसका ये है इन कॉमनली यूज कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर, ये देखिए प्लस प्लस, ये देखें ये दोनों में डिफरेंस क्या है, प्लस प्लस के साथ इक्वल, माइनस लिखा हुआ है माइनस के साथ इक्वल, मल्टीप्लाई लिखा हुआ है लेकिन उसके साथ मस्ट इक्वल आएगा, मोड लिखा हुआ है डिवाइड लिखा हुआ उसके साथ इक्वल आएगा, और ये अरिथमेटिक प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हम जो भी ऑपरेटर लिखेंगे उसके साथ इक्वल लाजमी आएगा, ठीक है। अब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं। अब ये देखिए क्लास, इसके एग्जाम्पल अगर हम चेक करें, इंट एन इज इक्वल टू 10 है हमारे पास, ठीक है। एन प्लस इज इक्वल टू 5, इसको देखे आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना, आगे बताया हुआ इज इक्वल टू एन, एन इज इक्वल टू एन क्या करेंगे, एन प्लस 5, एन प्लस 5, एन की वैल्यू तो एक हमने ऊपर डिक्लेयर की है ना, एन में क्या आ जाएगा, 10 प्लस 5 15, 15 किसको साइन हो जाएगा, 9 को। इसी तरह एन माइनस इज इक्वल टू 5, ठीक है, इज इक्वल टू एन क्या है, एन की वैल्यू ऊपर क्या है, 10 10 माइनस 5, 5, 5 किसको साइन हो जाएगा, एन को, एन मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 5, ठीक है, एन की वैल्यू क्या ऊपर 10 10 मल्टीप्लाई 5 क्या आता है, 15, 15 किसको साइन हो जाएगी, 50 किसको साइन हो जाएगी, एन वैल्यू को। इसी तरह हम डिवाइड करेंगे, 10 डिवाइड बाय 5 तो किसको साइन हो जाएगी, इसी तरह हम मोड का सिंबल लेंगे, 10 मोड 5 तो क्या आएगा, बताएं क्या आएगा, रिमाइंडर में जो वैल्यू आती है हम वो देते हैं, तो हम जब इंप्लीमेंटेशन करते हैं तब हमें समझ आ जाती है। अब हम इसकी इंप्लीमेंटेशन करते हैं, हैश फहद आपको समझ आ रही है, फैसला आपको समझ आ रही है, आप ही साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं कि नहीं, बच्चे साथ साथ करें। हैश इनटू हेडर फाइल लिखते हैं सबसे पहले, आयो स्ट्रीम
यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेल। इंट एन इज इक्वल टू 10 यो एन इज इक्वल टू एन हैंडल। ये तो सिंपल एन की वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा 10, जो कि क्या है 10। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, एन प्लस इज इक्वल टू, साफ सीखना आपने, एन प्लस इज इक्वल टू 5। सी आउट एन प्लस इज इक्वल टू 5 एन एंडल। ओके अब इसी तरह हम लोगों ने एन माइनस इज इक्वल टू, क्लास मुझे बातें की क्यों आवाज आ रही है, सी आउट डबल कोट्स एन माइनस इज इक्वल टू 5 एन एंडल। ठीक है, इसी तरह हम क्या करेंगे, एन मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, ये क्या कर रहे हो आप, कौन ऐसे कर रहा है यूज, ऐसे थोड़ी करते हैं लैपटॉप को यूज, कीबोर्ड को। एन मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 5 सी आउट डबल कोट्स एन मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 5 इसी तरह एन मॉड मॉड इज इक्वल टू 5 सी आउट एन मॉड इज इक्वल टू 5 क्लास बातें नहीं करो, अभी आपका क्विज भी होना है। एन डिवाइडेड इज इक्वल टू 5 सी आउट एन डिवाइडेड मॉड इज इक्वल टू 5 एंडल। ये डिवाइड है और ये नीचे वाला मोड है। ओके क्लास सबने लिख लिया है, बच्चे अपनी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज करें। आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, आप तो आपकी होनी चाहिए।
ओ देखिए, गौर से करने वाली, मेरे से मिस्टेक हो जाती है और आप खुद भी स्टूडेंट हो। अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया, आप लोग बहुत बातें करते हो। हमने एक तो प्रोग्राम थोड़ा करना होता है। बच्चे आप कह रहे हो, समझ आ रही है आपको? बच्चे आप क्यों इतने पीछे जाके बैठे हुए हैं? बच्चे जो भी क्लास का मसला होता है ना, क्लास में सॉल्व किया करें। अब से आपकी जितनी भी थ्योरी है वो खत्म, प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी है। पहले 2-3 लेक्चर होते हैं थ्योरी के, जिसमें आपको इंट्रो वगैरह सी प्लस प्लस का देना होता है। ये क्या कर रहे हो आप क्लास में? बच्चे समझ आ गई आपको? ये बच्चा समझाएगा आज, चलें बताएं। जो बातें करेंगे ना आप, वही समझाया करेगा आगे। ये सही है? अब इसके बाद ये बच्चे की बारी आने वाली है। नहीं, आप समझाएंगे। ओके क्लास, सबसे पहले हम लोग ने हेडर फाइल लगाया, हम लोग ने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया जो कि वैल्यू साइन की। जी नहीं होगा आपका, आप करें ना जल्दी जल्दी साथ, टाइम शॉर्ट है, अभी आपका क्विज भी होना है बच्चों, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। नो, अभी करो कि पता चलेगा कितना के आप काम कर रहे हो। 6 क्लास हमारी हो चुकी है, सरप्राइज क्विज है। कल आपको मैंने वैसे मेंशन कर दिया था, आप नहीं आए। हाँ वो ना नेटवर्क का इश्यू था इसलिए मीटिंग अटेंड। चलिए कोई नहीं, सरप्राइज था है। क्लास सुने, हेडर फाइल लिखने के बाद हम लोगों ने इंटीजर डाटा टाइप का एक वेरिएबल लिया, उसमें 10 वैल्यू को असाइन किया है। ठीक है, हम क्योंकि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ रहे हैं, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की ये प्रॉपर्टी पड़ी है कि ये अरिथमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर का कंबाइन होता है, कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, अब देखिए, सी आउट एन इज इक्वल टू सिंपल, हम लोगों ने ये मैसेज को डिस्प्ले किया है, ये 10 वैल्यू को, ये एन इज इक्वल टू एन, ये 10 वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा सिंपल। ठीक है, उसके बाद हमारे कंपाउंड ऑपरेटर स्टार्ट हो रहा है। हमने क्या करना है, कंपाउंड ऑपरेटर की ये भी प्रॉपर्टी पीछे पड़ी है कि अगर हम लोग प्लस का कह रहे हैं तो उसके साथ इज इक्वल टू सिंबल लाजमी आएगा, अगर हम माइनस का कह रहे हैं ऑपरेटर तो उसके साथ इज इक्वल टू का सिंबल लाजमी आएगा, इसी तरह मल्टीप्लाई मोर डिवाइड के साथ आएगा। ठीक है, तो वो किया, उसके बाद हम लोगों ने इसको सी आउट को डिस्प्ले कर दिया हुआ है। लेकिन इस तरह कंपाउंड प्रॉपर्टी लिखते हैं, इस तरह कंपाउंड ऑपरेटर लिखते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। अब बताएं आप, नहीं समझ आई? बच्चे इसमें क्या मुश्किल है? आपको मैंने पहले पीछे बताया उसकी प्रॉपर्टीज में क्या है कि हम लोग को अरिथमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन होता है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, एंड प्लस इज इक्वल टू, अगर हम प्लस को ऑपरेटर लगा रहे हैं उसके साथ इज इक्वल टू भी लगेगा, उसको वैल्यू दे रहे हैं 5, और नीचे वैल्यू को डिस्प्ले कर रहे हैं। इसी तरह हम लोग माइनस का, जिस तरह लगाया माइनस का ऑपरेटर लगा रहे हैं तो उसके वैल्यू को नीचे डिस्प्ले कर रहे हैं, अगर मल्टीप्लाई का किया है तो उसके वैल्यू को नीचे डिस्प्ले कर रहे हैं, इसी तरह डिवाइड का वैल्यू को डिस्प्ले कर रहे हैं और मोड वैल्यू को डिस्प्ले कर रहे हैं। सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अभी तो ये बच्चे बहुत बेसिक है ये चीजें, अभी तो बहुत एडवांस लेवल की करनी है। जी बच्चे करे हो के क्वेश्चन करे, समझ नहीं आ रही, उठ के क्वेश्चन करे। ये भला क्यों लिखा है, ये ऊपर वाली वैल्यू एन की, हम वैल्यू एन डिक्लेयर किया है, उसको प्रिंट भी तो करवाना है ना ऊपर वैल्यू को, तो ये जो 10 की वैल्यू को ये जस्ट प्रिंट करेगा, ये जैसे ये देखो एन इज इक्वल टू 10 आ रहा है पहले आउटपुट में भी। जी बच्चे, ये अरिथमेटिक और असाइनमेंट ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन है। जी बच्चे क्या बोला?
नहीं नहीं ये हर में आता है, कोई मसला नहीं। जी बच्चे बच्ची बोले जी, कोई बात नहीं, दोबारा बता देते हैं। देखिए हमने पीछे पढ़ा था असाइनमेंट ऑपरेटर, पढ़ के आए हैं ना। असाइनमेंट ऑपरेटर कौन से होते हैं? वैल्यू, जिसको सिंपल असाइन कर देते हैं उसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं, लगता है आपको स्लाइड से करवाना ही पड़ना है। ये प्रॉब्लम समझा दूँ या पीछे से समझाऊँ? ये प्रॉब्लम समझाऊँ आपको और समझाऊँ ये पीछे से? अच्छा ये बच्चे देखो, सबसे पहले हम लोगों ने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एन, इंटीजर डाटा टाइप का, ठीक है। उसको वैल्यू 10 असाइन कर दी। उसके बाद हम लोगों ने उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करना है। जो वेरिएबल को डिक्लेयर किया उसकी वैल्यू भी तो हमें चाहिए, अदरवाइज तो उसको कोई का फंक्शन नहीं है उसपे। उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए हमने सी आउट इज इक्वल टू ये लिखा है, ये 10 की वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए ये लिखा है, ओके। 10 की वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए हमने ये लिखा है। उसके बाद जो है हम लोग, इसकी ये प्रॉपर्टी है कि जब वो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की प्लस, अगर कोई भी ऑपरेटर लगा रहे हैं प्लस का, तो उसके साथ इक्वल का साइन लाजमी आएगा, ठीक है। एन प्लस इज इक्वल टू 5, तो ये क्या आएगा सी आउट में, एन प्लस इज इक्वल टू 5। एन ये वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू को डिस्प्ले करेगी। 5 प्लस 10 क्या आता है? 15, 15 100 होगा। इसी तरह 15 आ रहा है, 15 आ रहा है। इसी तरह वजी, देखिए आप थोड़ा सा अपना सर बैग पे कर लें। वजी इधर देखो मेरी तरफ, ठीक है। इधर देखो, इधर 5 प्लस 5 किया तो 10 आ गया, 5 प्लस 15 किया, 10 प्लस 15 5 किया तो 10 आ गया इसकी। इसी तरह n माइनस इज इक्वल टू 5 किया तो n माइनस इज इक्वल टू, हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं तो 5 माइनस 10 माइनस 5 क्या आएगा जी? हाँ जी, अगर आप 5 नहीं लिखते फिर आता है आंसर 5 15 10 15, फिर आता है। तो इस तरह भी कर लो, अगर इस तरह आता है तो मेरा भी 5 15 5 10 आ रहा है। ये फाइव वाला हम लोगों ने एस टी डिस्प्ले कर रहे हैं ना, इसलिए ये 5 को भी इंक्लूड कर रहे हैं। आप हमने पीछे अभी असाइनमेंट ऑपरेटर ये पढ़ा है, उसमें हम लोगों ने नहीं डिस्प्ले किया था तो उसकी वैल्यू भी ऐसी आई थी। ये देखे, 1 मिनट बच्चे, 1 मिनट, पहले प्रॉब्लम को सॉल्व किया करें फिर बोला जाए। ये देखे इसमें क्या, असाइनमेंट ऑपरेटर में हमने ए इज इक्वल टू, उसके साथ कोई वैल्यू साइन नहीं की थी तो उसने हमें ऐसी सी उसकी वैल्यू को डिस्प्ले किया था। उसके साथ हम लोग साथ वैल्यू भी डिस्प्ले कर रहे हैं, इसलिए वो सबके साथ 5 5 5 आ रहे हैं। आप ना लगाए बेशक, फैसला आपने जो आउटपुट भेजी है उसमें यही अभी बात हो रही है कि अगर हम लोग साथ 10 10, जैसे मैंने 5 डिक्लेयर किया था तो साथ आपने इधर 10 किया है, तो अगर आप 10 नहीं लिखोगे ना तो आपकी एस टी सी वैल्यू आएगी। ये 10 को भी साथ ऐड करता जा रहा है, इसलिए 10 एस टी सी डिस्प्ले हो रहा है। तो आप बेहतर, आप 10 को बेशक ना लिखे, आप इस तरह भी लिखेंगे इस तरह भी आपका आंसर आ जाएगा एन प्लस इज इक्वल टू 10 ना लिखे बेशक, एन माइनस इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई इज इक्वल टू एन डिवाइड इज इक्वल टू एन मोड इज इक्वल टू, ठीक है। ओके क्लास, यहाँ समझ आ गई सबको? जी बच्चे, ठीक है।
या आप 5 7 खत्म किया जी? जी किधर आउटपुट? नाइन टेन एन हंड्रेड ये टेन दोबारा से सेव करके दोबारा से रन करें, दोबारा सेव करके ना इसको सेव करने की जरूरत पड़ती है, जब इस तरह आ जाती है आपकी वैल्यू तो उसको दोबारा सेव किया करें। क्या ये कंपाइल जाए जी, कर आप सेव करके दोबारा कंपाइल कर ले, अगर इस तरह का एरर आ जाता ना तो दोबारा ये देखें अभी। बच्चे ये आपका इस तरह करो, उसको कंपाइल करके दोबारा उसको करो, ये 5 को रेज कर दो, ये 5 एसटीज शो हो रहा है, आप इसको ना भी लिखे फिर भी आ जाएगा। बच्चे जिसके साथ 5 1 5 5 1 50 आ रहा है, ये आप 5 को रेज कर दे, उसको दोबारा कंपाइल करें, फिर आपके डिस्प्ले हो जाएगी एसटीज। ओके अब नेक्स्ट मूव करें। अभी तो आपका क्विज भी लेना टाइम ही नहीं मिल रहा। अब हम पढ़ते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या होता है कि हम लोग ये देखते हैं कि अगर ए की वैल्यू दो दो वैल्यूज के दरमियान ये कंपैरिजन कर रहे होते हैं, किसकी वैल्यू ग्रेटर है, किसकी वैल्यू स्मॉलर है, किसकी वैल्यू किसके इक्वल है, किसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू है, किसकी वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू है, किसकी वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू है। अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, इसके बाद आपको क्विज होगा। जी इक्वालिटी इक्वालिटी इधर नहीं यूज होगा, ये हम लोग कौन सा कर रहे हैं कंपैरिजन ऑपरेटर कर रहे हैं, ए इज इक्वल टू बी, ये कंपैरिजन ऑपरेटर में आते हैं। ओके क्लास इसका कोड करते हैं। अच्छा इसका कोड जो है क्लास आप बेहतर है, जो जिसमें ये किया था ना ऑपरेटर, ऑपरेटर्स का जिस नेम से हम लोगों ने ये किया था ना अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, वो वाली फाइल ओपन करें, उसी में करते हैं ताकि आपको हाँ जी जिसमें पहले किया था मैथमेटिक ऑपरेटर्स की, उसी में करते हैं ताकि आपको एक ही फाइल में मल्टीपल प्रोग्राम बनाने की आदत पड़े, इस तरह आप सेपरेट सेपरेट वो जल्दी से समझ आ जाती है। ये देखो इधर मैं करती हूँ, कौन सा करने लगे हम कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर जी करके लाना नहीं, अभी हम करने लगे हैं कोड कंपैरिजन ऑपरेटर का। बच्चे आप किधर जा रहे हैं? आप आपने पूछा मेरे से? किधर जा रहे हो बच्चे? ये काम पीछे हो जाएगा, सारा किया हो, सारा आता है आपको, चले जल्दी से। ओके okay. हाँ जी बच्चे ये कंपैरिजन ऑपरेटर की मैंने हेडिंग डाली है, कमेंट डाल लें आप। ओके अब हम स्टार्ट करते हैं सी आउट। अच्छा इसमें इसमें क्या फायदा है इसका, इसी उसी फाइल में लिखने का है, हमें दोबारा से हेडर फाइल नहीं यूज करनी पड़ेगी, हमें हेडर फाइल लिखना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है हम ब्रेक के अपने मेन फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऊपर से मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ पर है, ये देखिए इधर से मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ हुआ है, तो हमें दोबारा से मेन फंक्शन में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यही वैल्यू लेगा, वैल्यू भी नहीं डिक्लेयर करनी पड़ेगी, यही वैल्यू लेगा, सिंपल हम लोग अपना मैसेज डिस्प्ले करेंगे ऊपर, तो ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस, नीचे हम लिखते हैं कंपेरिजन ऑपरेटर। रात बातें नहीं साथ साथ काम करें। एंडल ऑनलाइन स्टूडेंट आपको समझ आ रही है? फैसला आपने जो मिस्टेक की हुई थी उसकी समझ आ गई आपको?
ओके क्लास यहाँ तक सबने कर लिया, करें जल्दी, फिर जल्दी जल्दी काम करें। की वैल्यू ऑफ ए कितनी इज ए इक्वल टू बी क्लास की पॉइंट, फिर उसके बाद ए इक्वल टू बी, फिर डबल एस एन सिंबल और एंडल। उसके बाद सी आउट दी वैल्यू ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू बी इज डबल एस एन सिंबल, फिर ब्रैकेट में क्या आएगा, ए नॉट इज इक्वल टू बी और डबल एस एन सिंबल एंड एल। क्लास की पॉइंट जल्दी जल्दी साफ करें जी। नहीं नहीं बच्चे, ए इक्वल टू डबल इक्वल टू आएगा, डबल इक्वल का साइन आना अंदर। सी आउट वैल्यू ऑफ ए ग्रेटर देन इज बी इज क्लास की पॉइंट एंड देन सी आउट दी वैल्यू ऑफ ए लेस देन बी इज ए लेस देन बी। यो द वैल्यू ऑफ ए लेग ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी इज यो ए लेस देन इज इक्वल टू बी। लेस देन इज इक्वल टू बी।
हो गया है। ओके बच्चे, गुड गुड फैसल। ओके क्लास हो गया। ओके क्लास, हम ये कह रहे थे अब हम इसकी आउटपुट को देख लेते हैं। ये देखें, कंपैरिजन ऑफ पैटर्न इन सी प्लस प्लस फॉर्मिंग आर द कंपैरिजन ऑफ पैटर्न की वैल्यू ऑफ क्लास फोर से समझना, देख लें एक दफा। इसका आंसर हो गया। हाँ ये इशू है इसका, ठीक है। ओके द वैल्यू क्लास की पार्ट, हमने इसमें क्या किया, अरिथमेटिक ऑपरेटर में जिस फाइल में सबसे पहले प्रोग्राम अपना कोड एग्जीक्यूट किया था उसी फाइल में हम दोबारा ये कंपैरिजन ऑपरेटर का एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ताकि हमें दोबारा से हेडर फाइल ना लिखना पड़े, हमें वेरिएबल्स को डिक्लेयर ना करना पड़े, हम वही वेरिएबल्स को यूटिलाइज करेंगे। इस तरह ये भी होगा कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी अगर आप एक ही फाइल में मल्टीपल फंक्शन को इंप्लीमेंट करते हो, ठीक है। इसके बाद हमने ऊपर जो हमारी वेरिएबल डिक्लेयर किए थे वो ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 5 है, जो कि हम लोग ने ऑपरेटर में भी वही यूज किया था। ये वाला बच्चों आपको कंफ्यूज ना हो जाना, ये कौन सी वैल्यू की बात कर रही है। ये देखो बच्चों, ये वैल्यू हमें दोबारा डिक्लेयर नहीं की, हम यही वैल्यू को यूज करेंगे नीचे। ठीक ओके, अब पहली में क्या थी, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू बी इज 0। हाउ, देखो ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू क्या है, 5 है। क्या वो दोनों इक्वल है? ए की वैल्यू तो छोटी है और बी की वैल्यू तो बड़ी है। देखो इधर क्या, ए इज इक्वल क्लास बच्चे बी अटेंटिव, ए इज इक्वल टू बी, क्या ए की वैल्यू बी के इक्वल है? नहीं है, क्योंकि ए की वैल्यू तो 4 है और बी की वैल्यू 5 है। ए की वैल्यू छोटी है, बी की वैल्यू तो जब ये हमारा तो इधर क्या आएगा, 0। अगर वो इक्वल होता तो देन क्या आना था, 1। अगर ए की वैल्यू बी की इक्वल होती तो हमारे आउटपुट में क्या आना था, 1। और ये ए की वैल्यू बी से लेस नहीं इक्वल नहीं है तो हमारा इसलिए आउटपुट में 0 डिस्प्ले होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड, द वैल्यू ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू बी इज 1। देखो ए की वैल्यू बी की इक्वल नहीं है, ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 5 है, ये इक्वल नहीं है, ये ट्रू है, तो आंसर में भी 1, आउटपुट भी 1 आएगी, ठीक है। थर्ड में ये, द वैल्यू ऑफ ए ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू तो छोटी है बी से, तो जब वो वैल्यू ट्रू नहीं होगी तो वो 0 देगा, ट्रू के लिए 1 होगा। द वैल्यू ऑफ ए लेस देन बी, ए की वैल्यू लेस है ना बी से, तो उसने 1 डिस्प्ले कर दिया हुआ है। अब फोर्थ में क्या है, द वैल्यू ऑफ ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी, ए की वैल्यू क्या ग्रेटर है बी से और इक्वल भी है? नो, ए की वैल्यू छोटी है, कौन कह रहा है यस, ठीक है, इसलिए इसने इधर 0 डिस्प्ले किया। अब द वैल्यू ऑफ ए लेस देन इज इक्वल टू बी, यस ए की वैल्यू लेस है बी से तो 1 डिस्प्ले कर दिए। किसी को समझ नहीं आई तो पूछ ले दोबारा। अब हम जी बच्चे, कौन सा एरर है आपका? अब हम नेक्स्ट देखते हैं। लॉजिकल एरर, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, किसी को पता है क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर सेम एज अ कंपैरिजन ऑपरेटर की तरह होता है, लॉजिकल ऑपरेटर, लेकिन उसमें क्या होता है, एंड और नॉट यूज होता है, ठीक है, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी सेम वैसी है लेकिन उसके ऑपरेटर वगैरह वो चेंज है, ठीक है। अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं।
इसी फाइल में करनी है, इसी फाइल में, जिस फाइल में आपने ये किया ना काम उसी फाइल में हम नेक्स्ट करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर, ओके बच्चे मैं अपनी मिस्टेक्स निकालूंगी, आप अपनी गलतियों का ध्यान रखा करो, मैं बाद में देख लूंगी। मिशन का पर्पस क्या था लॉजिकल ऑपरेटर्स जी फैसल क्या पूछ रहे हैं आप? का? इनका पर्पस क्या था लॉजिकल ऑपरेटर्स का? जी इस पर्पस क्या था इनका? इनका ये सेम एज कंपैरिजन ऑपरेटर की तरह होता है, ठीक है, लेकिन इसमें हम लॉजिकल ऑपरेटर में एंड प्लस एंड और नॉट का यूज करते हैं, ठीक है। अब आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ना, इसके ऑपरेटर भी डिफरेंट है, तो फिर आपको समझ आ जाएगी। सी आउट डबल एस एन सिंबल, दी वैल्यू ऑफ दिस लॉजिकल लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्लास की पॉइंट ए इज इक्वल टू बी ब्रैकेट वन, फिर उसके बाद उसके अंदर ऑपरेटर्स आ रहे हैं इसके, शिफ्ट शिफ्ट को और सेवन को आपने एंटर करना है, और फिर ओपन ब्रैकेट ए इज इक्वल टू बी और ए लेस देन बी इज इक्वल टू बी। उसके बाद डबल ब्रैकेट ए इज इक्वल टू बी, फिर क्लास ये ध्यान से करने वाला कोड है, फिर उसके बाद शिफ्ट एंड को ऑपरेटर आ जाएगा, फिर ए लेस देन बी। जी बच्चे क्या पूछ रहे हैं? हाँ टू ब्रैकेट्स के अंदर आएगा ये, एक तो इसकी ब्रैकेट है ना, ये देखें एक तो इसकी ब्रैकेट है, एक इसकी ब्रैकेट है, एक होल की ब्रैकेट है एंडल। ये तो मैंने रेडिट किया भी नहीं है, तो रेडिट कैसे आ रहा है?
हो। दी वैल्यू, बच्चे आपने ये नहीं देख रहा ये मिस्टर रेड क्यों हुआ, ये ना वो आप अपने कोड की तरफ ध्यान रखिए, मैं ये बाद में ठीक कर लेती हूँ। दी वैल्यू ऑफ दिस लॉजिकल और लॉजिकल और ऑपरेटर्स ए इज इक्वल टू बी, फिर ब्रैकेट बंद, और का जो ऑपरेटर यूज होगा वो आप शिफ्ट शिफ्ट और कर्ली ब्रैकेट के साथ जो की है कीवर्ड एंटर से ऊपर है उसको प्रेस करेंगे तो शिफ्ट और कर्ली ब्रैकेट के साथ जो कीवर्ड है ना जिसके ऊपर लिखा हुआ स्लैश उसको प्रेस करेंगे तो वो आपका और का ऑपरेटर आ जाएगा। शिफ्ट और स्लैश कर्ली ब्रैकेट के साथ से। ए इज इक्वल टू बी, उसके बाद ए लेस देन बी, एंड देन क्या क्लास की पॉइंट द वैल्यू ऑफ, क्यों बच्चे नजर नहीं आ रहा, ये देखो अभी इतना सा तो लिखा है ये रेड वाली जो है तो क्या कह रहे हो आप, ये लिख तो रही हूँ अभी इतना तो मैंने लिखा है। अच्छा, ये यहाँ से स्क्रॉल कर लो, ये लो यहाँ का आना है। क्लास जल्दी करो, जल्दी हाथ चलाओ। लॉजिकल लॉजिकल और नॉट ऑपरेटर, अब ये देखो ओपन ब्रैकेट तो इधर नॉट का सिंबल लगाना है, शिफ्ट की को और वन की को एंटर करोगे तो नॉट का सिंबल लगेगा, और फिर ए इज इक्वल टू बी, डबल एस एन सिंबल और एडर। क्लास हो गया आपका, हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी।
पता है ये जो रेड लाइन आपको शो हो रही है ना, ये एरर नहीं है, ये मैंने कलर दिया था इसको, ओके। तो ये एरर नहीं है, नीचे आउटपुट आ गई है इसकी। अब सबका हो गया, हम इसको आउटपुट को एक्सप्लेन कर ले। यस, ये आपको क्यों एरर आ रहा है? जी बच्चे, इसमें ब्रैकेट्स वगैरह देख लेना गौर से। जी, हो गया? क्या एरर आ रहा है? जी बच्चे, कोई ना कोई अंदर मिस्टेक तो हो गया, ऐसे नहीं एरर आता। भी नहीं, वो और भी होती है। जी रही कौन सी फाइल में आप कर रहे हो? वही वाली? नीचे नीचे करो इसको। दिवाली ऑफ ऑफ लॉजिकल एंड ऑपरेटर। पे वाला लोग इक्वल क्या एक मिनट बच्चे, तेरे को छोड़ो। कैपिटल करूं बस, ये इश्यू तो नहीं होता, हम पता नहीं। मेरा इतना लंबा जा रहा है, आपसे क्यों छोटा है? ट्रांसफर ठीक है वैसे आपका, इधर तो कंपाइल करो इसको। सेव किया? किस नेम से सेव है? दोबारा सेव कर लो। सेव करो इसको, कोई सा भी नाम छोटा सा दे दो। ओके ओके, कैपिटल करो। नहीं, कैपिटल तो नहीं होगा। बैक करो, ये दोबारा लाइन लिखो, ये दोबारा लाइन लिखो। और सबका हो गया? आपका किधर है? हो गया, दिखाओ आउटपुट की समझ आ गई? आगे करो बच्चे। जी ओके 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 क्लास, हम आउटपुट इसकी समझ लेते हैं। आगे करो बच्चे, आप आगे बैठा करो, आप पीछे क्यों बैठते हैं? ओके, क्लास ये एरर नहीं है, ठीक है? ये बार बार ये ना समझना एरर। अब इसकी जो आउटपुट है ना, वो नीचे शो होगी। जी क्या, पहले आउटपुट समझ लो फिर देखो।
अच्छा हम क्या कह रहे थे, लॉजिकल ऑपरेटर, द वैल्यू ऑफ दिस लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर में देखें एंड में क्या होता है, अगर दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तो ट्रू होगा, नहीं होगा तो फॉल्स होगा। दोनों वैल्यू ट्रू होगी तो वन आएगा, बाहर नहीं देखे इधर देखो, अगर दोनों वैल्यू ट्रू होगी तो वन आएगा, दोनों में से कोई भी नहीं ट्रू होगी, एक ट्रू होगी एक फॉल्स होगी, फिर भी जीरो आएगा। ठीक है, अब ये देखो इधर ए इज इक्वल टू बी, ये पहली कंडीशन गलत होगी क्योंकि ए बी के इक्वल नहीं है, और दूसरा एंड ए लेस देन बी, ये दूसरी कंडीशन ठीक है, लेकिन हमने क्या करा है कि एंड में दोनों कंडीशन का ट्रू होना लाजमी है, फिर ही वन आएगा अदरवाइज जीरो। तो उसने आउटपुट में क्या डिस्प्ले कर दिया, जीरो। समझ आ गई क्लास, ये जीरो कैसे है। द वैल्यू ऑफ दिस लॉजिकल और ऑपरेटर, और में क्या है, अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो ट्रू है, चल सकता है। ठीक है, ए कंडीशन ट्रू होनी लाजमी है, ए इज इक्वल टू बी, ये तो फॉल्स है, ए बी की इक्वल नहीं है, लेकिन ए लेस देन बी ये ट्रू है। ठीक है, और इसका क्या आ गया आउटपुट में, वन। द वैल्यू ऑफ दिस लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, पता है नॉट ऑपरेटर किसने यूज करता है, अगर वो वैल्यू वन भी आ रही है वो उसका उल्टा है, इन्वर्ट कर देता है उसको, जीरो कर देता है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ दिस लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, नॉट इज इक्वल टू नॉट ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी, हमने ऊपर पढ़ा था ए इज इक्वल टू बी, ये गलत है। ठीक है, जिसका जीरो आएगा, लेकिन हमने इधर नॉट ऑपरेटर साथ लगा दिया है, नॉट क्या है वो वाइस उससे इन्वर्ट हो जाएगा तो वो वन कर देगा। ठीक है, आज के लेक्चर में जिसको नहीं समझ आ गई आई वो दोबारा पूछ ले, अभी ये जो इम्प्लीमेंटेशन चल रही है ये करके जा रहा भाई। ये कौन सी लड़की है जी, ओके ऑनलाइन स्टूडेंट, आपको समझ आ गई, फैसल आपको समझ आ गई, क्लास मेरे ख्याल में दूसरी क्लास स्टार्ट होगी 4 बजे जी, स्लाइड आपको शाम तक मिल जाएगी, बार बार प्लीज मैसेज मत करिएगा, मैं फ्री होके आपको शाम तक 12 बजे से पहले पहले कर दूंगी। क्लास चाहिए अभी, एरर के कौन सा एरर आपका, वो बच्चे वेट कर रहे हैं बाहर, ये नहीं जा रहा आप तो, मेरे ख्याल में कुछ और एरर आया हुआ जिसकी वजह से वो इधर लेके आ रहा है, आप इसको रिमूव कर दो जस्ट, ये जरूरी तो नहीं है, ये तो मैंने वैसे और डिस्प्ले मैसेज किया है, हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए ना, तो ये रिमूव कर दो आप, करो लॉजिकल एंड ऑपरेटर।